Hello guys, it's your boy Desi Zorba and welcome to another freaking vlog. और आज का vlog तो हमारा वैसे freaking होगा, बढ़िया होगा, मस्त वाला होगा, because आज है लोहड़ी. हमने last year लोहड़ी 2022 में भी एक vlog बनाया था जिसको बहुत अच्छा response मिला, आप लोगों का बहुत प्यार मिला और आपने वो vlog पसंद भी बहुत किया. और आज भी हम एक special vlog बनाएंगे और vlog ऐसा रहेगा कि मस्त वाला, एकदम जबरदस्त वाला, कि पूरा एंटरटेनिंग होगा. आप एंटरटेनिंग होगा और होके रहेगा. युक्ति से हाय. ये है हमारी भतीजी युक्ति और बहुत स्वीट है. इसका भी एक यूट्यूब चैनल है युक्ति एंड कनक के नाम से. और वैसे भी तो वीडियोस नहीं बना पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्टडीज, बट वो जल्दी ही स्टार्ट करेगी इस पर. तो मैं एक और बुलाता हूँ. ये है हमारा तेजस और इधर आओ कुहू. ये है हमारा कुहू बेबी. कुहू बेबी हेलो बोलो. हेलो हेलो. नमस्ते बोलो. हाँ नमस्ते. ये हुई ना बात. चलो मैं अभी बाकी सबसे मिलवाता हूँ और लोगों कैसे मनाएंगे वो भी हमारे घर में आ चुके हैं हमारे मेहमान. ये है, ये कौन है? प्रथम द क्रिकेटर. प्रथम से हाय टू माय ब्लॉग. और ये है, और ये है आर्ट एंड क्राफ्ट वाली उदिता. और ये है फुफ्फू जी, फुफा जी, फुफा जी, फुफा जी, फुफा जी, फुफा करो पहले आप. अच्छा ये आपको पता है हमारी बहन आंटी. हैप्पी लोहड़ी. कुछ संदेश दो हमारे देसी जोरबा के व्यूअर्स को. हैप्पी लोहड़ी आपको सबको. लोहड़ी के बहुत बहुत मुबारका जी. आप सब खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, चाहे शाबाद रहो, आबाद रहो सब. आज मन्नू की पहली लोहड़ी है. हाँ, मेरे बेटे की पहली लोहड़ी है. हाँ जी. तो क्या वो है जश्न का माहौल क्या है? अब क्या करना है? लोहड़ी बालेंगे ना. हाँ जी. बाहर है. अच्छा जी. फिर प्रोग्राम होएगा. चलो बढ़िया है. मन्नू देखो बिना इंटरव्यू दिए अंदर चला गया. पेनल्टी पड़ेगी उन्होंने. और ये हो रही है लोहड़ी की प्रिपरेशन. लकड़े आ चुकी हैं. मन्नो हैप्पी लोहड़ी. पहली लोहड़ी है तेरी. देखे आज टपाया था टप की ना. हाँ अंकल जी हैप्पी लोहड़ी. मुंडे की पहली लोहड़ी आज. मुबारक है. बिल्कुल तो. हाँ जी हैप्पी लोहड़ी. कुछ संदेश व्यूअर्स के लिए. मैं ये नहीं पूछ, मैं ये नहीं पूछूंगा लोहड़ी क्यों मनाई जाती है. वैसे क्यों मनाई जाती है पता है आपको? आप बताओ पहले. ठंड बहुत ज्यादा लगती है इसलिए इसी बहाने हाथ सब मिलके सेक लेते हैं. हम तो इसलिए लोहड़ी मनाते हैं. खाते हैं हम तो पुराने ट्रेडिशन. 14 को मेरी एनिवर्सरी होती है तो 13 को मुझे फेरे लेने को मिल जाते हैं हर साल. तो मैं तो इसलिए लोहड़ी. होए 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 होए. हम इनके फेरों को अटेंड करने के यहाँ खड़े हो जाते हैं. वाह जी वाह, वाह जी वाह. आप लोग भी आइए और मजे कीजिए हमारे साथ, लोहड़ी का आनंद उठाइए. नेक्स्ट एनिवर्सरी है, आप उसके लिए भी इनवाइटेड है. आइए और मिठाई खाइए. और यहाँ चल रही है कॉफी साथ में हल्दीराम की नमकीने. और जीजा जी खाओ जी इंदौर की स्पेशल नमकीन. खाओ. क्या हो गया? ये स्पेशल है. तो क्यों हंस क्यों रही है पहले बताओ मुझे. क्यों हंस रही है? तेरा ब्लॉग देख के हंसी आ रही है. तेरा ब्लॉग देख के हंसी आ रही है. हंसो. मैं कहता हूँ 130 करोड़ हिंदुस्तान की पूरी जनता एक बार में हंस दे. एक वीडियो से बनाऊं उस पे हंस दे. 130 करोड़ जनता. हम एंटरटेन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो ब्लॉग बना रहे हैं. और ये हो चुकी है लोहड़ी की शुरुआत. हाय धैर्य. हेलो. अच्छा ध्रुवी ये बताओ लोहड़ी क्यों मनाई जाती है?
ये मैं से पहले भी पूछा जाता नहीं। हाँ तो अब बताओ ना, लास्ट ईयर पूछा था, अब तो प्रिपेयर हो गया होगा आंसर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। खाली हैप्पी लोहड़ी गुप्ता अंकल। क्यों मनाई जाती है लोहड़ी? ये मैं लास्ट ईयर भी पूछा था, कोई याद होना चाहिए था कि अगले साल भी ये पूछेगा बंदा। सेठ जी बताओ ना, लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? हाँ जी, खाने वास्ते है पापा, क्यों मनाई जाती है? मूंगफली रेवड़ी खाने वास्ते। अच्छा, ठंड का आखिरी दिन है आज। ठंड का आखिरी दिन है। अच्छा, आज से सही है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा विक्रमी संवत का। तो हमने ये न्यू ईयर पार्टी कर रही है जल्दी, पूरी नजर और लोहड़ी वाले दिन हम जो ये लोहड़ी जलाते हैं इसकी परिक्रमा करते हैं, 7 चक्कर काटते हैं और इसमें मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ, तिल इत्यादि या फिर हवन सामग्री ये भी हम डालते हैं। ये एक लोहड़ी मनाने का रिचुअल है हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में। और ऐसी भी मान्यता है अगर किसी लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो और जब ये लोहड़ी की आंच धीमी पड़ जाती है तो उसको 2 बार उसके ऊपर से छलांग लगवाई जाती है ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाए, और मतलब कहने का है कि जो नेक्स्ट लोहड़ी है अगले साल की उससे पहले हो जाए। भाई मन्नू गिन रहा है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आज एक फालतू लेना है क्या? गिन रहा है अगला, क्या कम ना हो जाए कहीं? ये 7 लेगा पूरे। आप लोग पूरा करो, तुमको पूरा करो। यानी बट उन्होंने वहां भी शुरू की तो कर दो, खुद से वही कर देना, उनका तो वही पूरा हो गया ना। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी ये किस लिए है? ये लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए। लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हिस्ट्री में पता क्या है? हमारे पूर्वज मनाते थे, हमारे मामा मनाते थे। तो फाइनली लोहड़ी ओवर हो गई, ऑलमोस्ट ओवर नहीं होती, ओवर नहीं होती मतलब खत्म हो गई है। इस साल की और जीजा जी लोग घर वापस जा रहे हैं अम्बाला कैंट। प्रथम मिस्टर बेन स्टोक्स, राइट आर्म फास्ट बॉलर एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन। शीतु बाय बाय, ठीक है जीजा जी बाय। ओके प्रथम बाय बाय, टेक केयर, ये व्लॉग जरूर देखना, कल में डल जाएगा, ठीक है, बाय बाय। उदिता आर्ट एंड क्राफ्ट। और आज का लोहड़ी का त्यौहार भी बहुत बढ़िया रहा, आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं लोगों से कि ये लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। वैसे मैं एक जानकारी के लिए बता दूं,
इसके पीछे ना तीन चार मान्यताएं हैं लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुल्ला भट्टी वाली है। दुल्ला भट्टी जब अकबर का शासनकाल था हिंदुस्तान में, तो उस टाइम लड़कियों को ना लाइक उनका बेचा जाता था। तो दुल्ला भट्टी क्या करता था कि वो ना उनके बचा के उनसे वो शादी करवाया करता था उनकी। तो इसकी इसी खुशी में ना तो वो ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरा, आज ही के दिन फसल की कटाई होती है, गन्ने की फसल की ईख की कटाई होती है, और उससे फिर गुड़ बनाया जाता है, फिर गुड़ से रेवड़ियां बनाई जाती हैं। तो इसलिए गुड़ और रेवड़ियों का त्यौहार भी इसको बोलते हैं। इसके लिए ये भी कहावत है कि फसल की कटाई होती है, इसी खुशी में किसान ये त्यौहार मनाते हैं। और एक मान्यता ऐसी भी है कि लोहड़ी जो थी वो होलिका की बहन थी ये, बट ये अच्छे वाली बहन थी, तो इस खुशी में भी ये मनाई जाती है। ज़्यादा मेरे को उसके बारे में ज्ञान का नहीं पता है, बट मैंने आज गूगल किया तो मुझे ये भी थोड़ा सा पता लगा इसके बारे में। चलो, और सर्दी दूर करने के लिए भी। हाँ, और ये नॉर्थ इंडिया में जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दी जनवरी के इसमें महीने में पूरे अपने चरम पर होती है, सर्दी को दूर करने के लिए भी लोग आग जलाते हैं और आग सेकते हैं, और ताकि सर्दी और दूर भगा जाए, और खुशी वाला त्यौहार है, और खुशी बच्चों की पहली लोहड़ी होती है। हाँ, और ये ना जो लोहड़ी वाला जो त्यौहार है ना यार, बड़ा खुशी वाला है, बहुत लोग इंजॉय करते हैं, खास तौर पे पंजाब हरियाणा और हिमाचल के ही लोग ज्यादा इंजॉय करते हैं। वैसे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं आज ही के दिन, ठीक है। और कल है मम्मी क्या, मकर संक्रांति? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति है कल। मकर संक्रांति को क्या करते हैं वैसे? खिचड़ी का दान करते हैं। खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी भी बनाते हैं ना? हाँ, खिचड़ी बनाते भी हैं, खाते भी हैं, और खिचड़ी का दान करते हैं। और कल के दिन सूर्य उत्तर दिशा से उदय होएगा। उत्तर दिशा से होगा, क्यों? कल के दिन ऐसा क्यों है पता नहीं, कितना चलो मैं है तो देखो उस टाइम नहीं उठूंगा किस टाइम सूर्य उदय होएगा। बड़े यार देखेंगे उत्तर दिशा की। चलो देखते हैं क्या होता क्या है। चलो दोस्तों, मैं अब आपसे इस व्लॉग से विदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। मकर संक्रांति के त्यौहार पे पतंग खूब उड़ाए जाते हैं, मतलब कल के दिन पतंग भी उड़ेंगे ना? हाँ, लोहड़ी का भी उड़ते हैं और मकर संक्रांति को भी। चलो ठीक है दोस्तों, मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सर्दी से बचकर रहें, इंजॉय करें, खुशियों भरा त्यौहार ऐसे ही मनाएं, हर साल मनाएं, इंजॉय करें, और इंजॉय करने खुशियां बांटो यार, दो की चार, चार की आठ, आठ की सोलह बढ़ती रहेंगी यार, जितनी खुशियां बांटोगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है। जितना दुख बांटोगे उतना कम होता रहेगा, ठीक है। तो बस इंजॉय करो यार, मिलते हैं अगले अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पीस ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।